एमपी में बारिश का सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया है। जी हाँ, राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम, विदिशा, छिंदवाड़ा और रायसेन समेत प्रदेश के कई हिस्से में जो है तेज बारिश हो रही है। भोपाल में सुबह 6:15 बजे से कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। भोपाल में अब तक 31 इंच से ज्यादा जो है बारिश हो चुकी है, ये सामान्य से जो है 4 इंच ज्यादा है। नर्मदापुरम जिले में शनिवार रात से बारिश जारी है। शहर में भी रात 1 बजे से जो है झमाझम बारिश जारी है। तवा का जल स्तर बढ़ने पर 3 गेट रात 11 बजे से जो है खोल दिए गए हैं। नर्मदापुरम में तवा के कैचमेंट एरिया पंचमणि और बेतुल में बारिश के चलते तवा डैम के गेट खोलने पड़े। शनिवार रात 11 बजे से डैम के 3 गेट 3 फीट तक खोले गए। इसके साथ ही बरगी डैम के 11 गेट आधा मीटर तक खुले हैं, जिसमें जो है 15,736 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, ग्वालियर, चंबा और सागर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश होगी। अन्य जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। यहां 2.5 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। 22 से 23 अगस्त तक सिस्टम एक्टिव रह सकता है। ग्वालियर, इंदौर और भोपाल में शनिवार से ही पानी गिर रहा है। इसके अलावा गुना, रायसेन, छतरपुर, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, खंडवा, जबलपुर, रतलाम, धार, उज्जैन, रीवा, सीधी, नरसिंहपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी और सतना में भी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर और गुना में हुई है। यहाँ करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई है। रीवा में 36 घंटे से कभी धीमी तो कभी तेज बारिश हो रही है। 19 अगस्त को रात 10 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। जिले में 20 अगस्त को कुल 34.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक 78 मिलीमीटर वर्षा त्योथर तहसील में हुई है। इसी दौरान हुजूर तहसील में 22.6 मिलीमीटर, मनगवा में 43 मिलीमीटर, सिरमौर में 40.6 मिलीमीटर, तवा में 42 मिलीमीटर तथा नई गढ़ी तहसील में 36 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी सभी नदियों में क्षमता से ज्यादा पानी आ चुका है। डैम ओवर फ्लो होने लगे हैं। नर्मदा से लेकर चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा, काली सिंध, शिवना नदी तक उफान पर है। भोपाल से गुजरी कलियासोत नदी के उफान पर आने के बाद दामखेड़ा और मरदाना टोला में 70 परिवारों को शिफ्ट करने की नौबत आ गई थी। यहाँ के कलियासोत, केरवा और भदभदा ओवरफ्लो हो गए हैं।